टू वन, टू एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे है टू एक्स स्क्वायर टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस टू वाई डी एक्स डी वाई। तो ये इसको हम इंटीग्रेट करेंगे पहले विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई टू, टू और टू कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन में भी वहां से डी ए लिखा था, क्या बोल रहा है सर? डी ए क्या है जो आपने फिर काटा है बाद में, क्योंकि क्वेश्चन में भी वहां से डी ए लिखा था। वही मैंने बोला ना पहले, डी ए इज एक्चुअली स्मॉल एरिया, दैट इज डी एक्स डी वाई। डी ए मैंने बोला ना पहले, जब मैंने ये है डी एक्स डी वाई है, कभी ये डी एक्स ओके सर, मैंने पहले बोला था पहले। हेलो सर, मैंने नहीं सुना होगा। जी सर ठीक है, नहीं मैं खबर में हूँ ना मुंता, मैंने बोला था शायद। हाँ सर आपने बोला था, डी ए इज डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो कभी ये डी ए होगा या कभी ये ऐसे लिखा होगा डी एक्स डी वाई ना, एरिया डी ए इज एरिया, तो डी ए इज डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई। तो ये आप इवॉल्व करो विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये आएगा इसको वाई से सॉरी इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे आएगा एक्स वाई, तो यहाँ पे इंटीग्रेट किया है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय टू, टू और टू कैंसिल बिटवीन द लिमिट्स टू एक्स स्क्वायर टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपल फिर कैलकुलेशन है, आप अलग अलग से दे दो, माइनस वन टू वन एक्स वाई प्लस माइनस वन टू वन वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आप अलग से इंटीग्रेट करना है। हाँ सर ये आएगा अब हमें, हाँ ये आएगा अब आपको आएगा, ये तो खाली इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब आप देखो इसी तरह है पोल का, वो हम क्या करेंगे उसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। आपके पास जो डबल इंटीग्रल होगा या ट्रिपल इंटीग्रल होगा वो किस में होगा, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और फिर वो फाइनली पोल कोऑर्डिनेट्स में हम सॉल्व करेंगे। आप देखो उसके लिए एक फार्मूला है, हां उसके लिए फार्मूला है क्या है, अगर आपके पास डबल इंटीग्रल होगा ऐसे, आप देखो यहाँ पे डबल इंटीग्रल है ना, चलो मैं रेड से, यहाँ आप देखो ये डबल इंटीग्रल, जरा ये पढ़ो आप लेफ्ट लेफ्ट साइड से क्या है, शाबाश, हाँ लेफ्ट साइड से क्या है, एल एच एस में क्या है लेफ्ट हैंड साइड से, हाँ शाबाश सर, ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या लिखा हुआ है, डी एक्स कॉमा वाई, आप देखो, चलो एक मिनट, आ रहा है अब, हाँ वही है सर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कॉमा वाई, एक्चुअली डी डी इज रीजन, हाँ ये है ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई, दैट मीन्स इसमें x और y होंगे, जो रीजन है ना रीजन, जैसे कि अभी देखा उसमें क्या है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, तो जो d होगा d इज अ रीजन, इसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो होंगे x एंड y, दैट मींस ये किस में है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे डी एक्स वाई, उसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो होंगे x एंड y, क्योंकि हम किस में प्लेन में, उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, इसलिए डी एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई डी एक्स डी वाई, ये किसके बराबर होता है, ये होता है डबल इंटीग्रल डी आर थीटा, दैट मीन्स अब यहाँ पे जो आपके पास क्या है वेरिएबल्स है वो आर एंड थीटा, अब इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ये इंटीग्रल किसके बराबर होता है, ये होता है एफ आर थीटा, किसके बराबर होता है एफ आर थीटा इंटू जोकोबियन, जो जे लिखा है ना जे, इसको यह है जोकोबियन, हाँ जे इज एक्चुअली जो जोकोबियन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डी आर डी थीटा, ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इंटीग्रल को कन्वर्ट करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। जो एक्स होता है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, x equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं ना, evaluate the double integral d
x square y square dx dy, where d is the region bounded by x equal to 0, y is equal to 0, and x square plus y square is equal to 1. ठीक है, आप देखो ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है, x is greater or equal to 0, y is greater or equal to 0, and x square plus y square is equal to a square. वहां पे a square था और x था, वहां पे x is greater or equal to 0, अगर आपको याद होगा, y is greater or equal to 0, and x square plus y square equal to a square, वहां पे a square था, लेकिन यहाँ पे एक यूनिट सर्कल है. ठीक है, आप देखो यहाँ पे x कहां से कहां तक होगा, x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, अगर हम x फिक्स रखेंगे, x कहां से कहां तक होगा, शाबाश, हाँ शाबाश, x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, x lies between, इस रीजन में x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, हाँ शाबाश, हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी, हेलो जी सर, आवाज आ रही है, हाँ, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, ये आपको, ये रीजन आपको ड्रा करना है, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड एक्स स्क्वायर, फिर दूसरी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स इट इज ऑरिजिन, अब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, फिर एक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, हाँ जीरो से, तो इसका वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका, क्या बोल रहे हो, x square, y का वैल्यू जीरो देखना, under root of 1 minus y square, y square है वो आएगा 1 minus y square, चलो ये ठीक है, लेकिन अगर आपको आप फिक्स रखने हैं कांस्टेंट्स क्या होंगे, फॉर एग्जांपल 0 to 1, हाँ 0 to 1 होगा ना, x हम x फिक्स रखेंगे, x का वैल्यू होगा 0 to 1, अब हम y वेरी करेंगे, y वेरी होगा, आप देखो यहाँ पे मैंने ये गलत लिखा है, ये है ना यहाँ पे, क्योंकि अब ऐसे भी लिख सकते हो, अगर यहाँ पे y लिखेंगे तो फिर यहाँ, हाँ ये मैंने उल्टा लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे x, इफ x lies between 0 and 1, ठीक है, और यहाँ पे y है, ठीक है, ये आप करेक्ट करना है यहाँ पे, x, if x lies between 0 and 1, then y lies between 0 and under root of 1 minus x square, ठीक है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, हेलो, यस सर, ठीक है ना, यस सर, हाँ, अब आप देखो तो इसके लिमिट्स क्या आएंगे, x के लिमिट्स होंगे 0 टू 1 और y के लिमिट्स क्या आएंगे, 0 टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, एक्चुअली y के लिमिट्स आएंगे माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर टू पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, लेकिन यहां पे क्या है, ये स्टार्ट हो रहा है y इज इक्वल टू 0, तो यहां पे हमें कौन से लेने हैं, नॉन नेगेटिव, तो y लाइज बिटवीन 0 टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये एकदम कर दीजिए करेक्ट, ठीक छ, ये है ना, यह है एक्स एंड वाई, हाँ इसमें लिखो, तो ये आप करो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे लिमिट्स आएंगे 0 टू 1, 0 टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आप देखो करो ये, निकालो इसका वैल्यू, शाबाश, ये इवन फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं माइनस टाइम्स, तो 0 टू 1 जब इस को इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, आएगा x स्क्वायर y क्यूब बिटवीन द लिमिट ऑफ 0 टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, तो जब हम इसके लिमिट्स देंगे तो ये फाइनली कन्वर्ट होगा इसमें, ठीक है, हेलो, यस सर, ये फाइनली कन्वर्ट होगा इसमें, ठीक है, आप देखो ये इस फॉर्म में 0 टू 1 x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, सॉरी x स्क्वायर इनटू 1 माइनस x स्क्वायर होल रेज पावर 3 बाय 2, आप देखो ये 1 माइनस x स्क्वायर फॉर्म में है ना, दैट मींस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अगर ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना, या तो वहां पे आप सब सब्स्टिट्यूट करोगे x इक्वल टू r sin थीटा,
ये साइन थीटा और एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, करो इसमें पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा। आप देखो ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले ऐसे क्वेश्चन हमने किए शायद, हाँ पिछला क्वेश्चन हाँ किया है ऐसे क्वेश्चन, है ना ऐसा क्वेश्चन किया है जिसमें वो डबल फैक्टोरियल आ रहा था फिर फाइनली। पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पे डी एक्स क्या आएगा व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, when x is equal to 0 theta is equal to 0 and when x is equal to 1 theta is equal to pi by 2, to ye aayega 1 by 3 0 to pi by 2 x square ki jagah aayega sin square theta, theek hai 1 minus x square ki jagah aayega 1 minus sin square theta is cos square theta whole raised power 3 by 2, to dx ki jagah aayega cos theta d theta, to jab hum isko simplify karenge yahan pe aayega 1 by 3 0 to pi by 2 sin square theta cos cube theta cos cube theta d theta, ठीक है cos 4 theta d theta। आप देखो जरा ये देखो इसकी फॉर्मूला क्या है, आप देखो ये 0 टू पाई है sin m theta cos m theta d theta, जरा मुझे बोलो इसकी फॉर्मूला क्या है 0 टू पाई बाई 2 शाबाश sin m theta cos m theta शबाश टी थीटा, हाँ ये किसके बराबर होता है हाँ साहिल शबाश किसके बराबर होता है एन माइनस वन डबल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एम माइनस वन डबल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम प्लस एन डबल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय टू। शबाश आप देखो वही आप यहाँ पे यूज करो, जब हम यूज करेंगे आप देखो ये है 2 माइनस 1 डबल फैक्टोरियल 4 माइनस 1 डबल फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 प्लस 4 डबल फैक्टोरियल इनटू पाई बाय 2, तो जब हम ये सिंपलीफाई करेंगे ये मैंने पिछली बार आपको ऑलरेडी बोला है हा? आपको ये पे तो फाइनली क्या आएगा यहाँ ये है ये। तो ये आएगा फाइनली 90 pi by 96 यूनिट्स, यहां से आप ये खुद देखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। हेलो हेलो ठीक है ना, आप जरा वो कैलकुलेट करो आपको ये आ रहा है फाइनली 1/3 है ना बाहर, तो जो डबल इंटीग्रल का वैल्यू आएगा वो आएगा 3 pi by 96, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा ये आएगा फाइनली pi by 96, कैलकुलेट कर दो वहां पे कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट निकाला उठाया है तो यहाँ पे शायद पूरा नहीं आया है, ठीक है। हेलो हेलो हाँ सर, आप देखो वही आ रहा है pi by 96, हाँ रोल नंबर 2 बेटा ये आ रहा है, हाँ हाँ फिजा रोल नंबर 62। हेलो ठीक है ये रोल नंबर 16 क्या कर तू आया साहिल? हाँ सर कर रहे हैं 2 मिनट। आप देखो यही आ रहा है फाइनली है सर, ये यही आएगा, ठीक है। चलो अब आप ये देखो हाँ, इसके बाद ये क्वेश्चन है इवैल्यूएट द डबल इंटीग्रल वाई डीएक्स तो आप देखो इवाल्यूएट द डबल इंटीग्रल वाई डीएक्स टी वाई वायर आर इज द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो यहां पे भी आप क्या करोगे शाबाश, यहां पे भी आप पहले इक्वेट करोगे, तो ये क्वेश्चन हमने ऐसे ही देखे हैं, यहां पे पहले आप इक्वेट करोगे एक्स का वैल्यू देखेंगे एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, ठीक है एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा
तो फिर y एज वेरिएबल रखना, लोअर लिमिट देखो क्या आएगा और अपर लिमिट, ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हैं। हाँ ये क्वेश्चन देख लेना, इसमें ऑलरेडी सॉल्व थमत करी थी, आप देख लेना ऐसे ही करना है जैसे हमने वो पिछले क्वेश्चन किए हैं। ठीक है जी सर, ठीक है। आप देखो और एक क्वेश्चन है यहाँ पे डबल इंटीग्रल, हाँ उसके बाद आप ये देखो ये क्वेश्चन डबल इंटीग्रल, इवैल्यूएट द डबल इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल रेज पावर, क्या है होल रेज पावर 7/2 dx dy ओवर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। आप देखो हम इसको कौन सा मेथड करेंगे, वही है जैकोबियन वाला। अगर हम इसमें करेंगे पुट x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r आएगा ना, x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। आल्सो जैकोबियन ऑफ x एंड y क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा, जैकोबियन मैंने पढ़ाया है ना फर्स्ट सेमेस्टर में, मिस पढ़ो में शायद यूनिवर्सिटी में, अगर आपको याद होगा। यस सर पढ़ा है। हाँ जो वो होता है डो एक्स बाय डो आर डो एक्स बाय डो थीटा, इसी तरह डो वाई बाय डो आर एंड डो वाई बाय डो थीटा। ठीक है तो जब हम इसका जैकोबियन निकालेंगे आप देखो उसका वैल्यू आके आ रहा है आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, शायद वो आर स्क्वायर आएगा। आप देखो चेंज कीजिए पेज, एक मिनट करना है। ठीक है आप देखो ये है ना, आप देखो ये किसका ये किस में है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे शाबाश, हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में पोलर कोऑर्डिनेट्स में, वी कन्वर्ट दिस डबल इंटीग्रल इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए जैकोबियन। ठीक है जैकोबियन जैकोबियन ऑफ एक्स एंड वाई, आप एक्स इज आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जैकोबियन ऑफ एक्स एंड वाई इज डो एक्स बाय डो आर बाय फार्मूला, हां डो एक्स बाय डो थीटा डो वाई बाय डो आर एंड डो वाई बाय डो थीटा। व्हाट इज डो एक्स बाय डो आर शाबाश बमत तेज बनान, नहीं सर कॉस थीटा आएगा ना सीधे, हां कॉस थीटा। इसी तरह जब हम डो एक्स बाय डो थीटा निकालेंगे आप देखो डो एक्स बाय डो थीटा आर कांस्टेंट तो cos थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, तो इसीलिए आएगा यहां पे माइनस r sin थीटा। तो इसी तरह डो वाई बाय डो आर का वैल्यू आएगा r की 1 sin थीटा इज कांस्टेंट, तो ऐसे ही sin थीटा यहां पे, इसी तरह डो वाई बाय डो थीटा इज r इज कांस्टेंट sin थीटा की cos थीटा, इसीलिए यहां पे आएगा r cos थीटा। ठीक है तो जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे इस डिटरमिनेंट को ये आएगा जैकोबियन इज इक्वल टू r, ये आएगा एक्चुअली r cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, आर काम निकलेगा या आएगा आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 1, तो यहां पे आएगा j इज इक्वल टू आर। ठीक है तो बाय एबो फार्मूला जो हमने अभी फार्मूला देखी, आप देखो d है ना, d इज अ रीजन बिटवीन x एंड y, हां उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x एंड y, हां क्योंकि इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो d यहाँ पे है एक्स वाई और ये है d r और थीटा में, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई की जगह है होल रेज पावर 7/2 dx dy है ना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल रेज पावर 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आया r स्क्वायर, वही मैंने लिखा आर स्क्वायर होल रेज पावर है अपना है ना 7/2, तो वो है ऊपर 7/2 इंटू जैकोबियन जैकोबियन डी आर डी थीटा। देखो पहले यहां तक ये ठीक है, हेलो हाँ रोल नंबर 2 मुंता सर लिमिट्स कैसे आएंगे 0 to 1 और 0 to 2 पे, हाँ लिमिट्स लिमिट्स
जरा देखो लिमिट्स क्या आएंगे, लिमिट्स क्या आएंगे फिर हाँ सर मैं बोल रहा हूँ ये कैसे आए, वही बोलो कैसे आएंगे सर, बोलो कैसे आएंगे हाँ। आप देखो जो आपके पास सर्कल है ना, यूनिट सर्कल, थीटा कहां से कहां तक वेरी होगा, जीरो टू होगा ना। आप देखो थीटा जीरो टू टू पाई पूरा सर्कल है, एंगल कंप्लीट एंगल क्या होता है 360, दैट मीन जीरो टू टू पाई। आप देखो यूनिट सर्कल सर्कल है ना, यूनिट सर्कल है तो दैट मीन्स एक्स जो होगा, अगर एक्स होगा वो होगा जीरो टू वन, और जो थीटा वेरी होगा फ्रॉम जीरो टू टू पाई। समझ आ रहा है? हाँ सर, हाँ समझ। अब ये जरा अब ये सॉल्व करो, पहले विद रेस्पेक्ट टू क्या करोगे, विद रेस्पेक्ट टू आर करो पहले, तो ये आएगा स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा है, तो इसीलिए जो डी होगा, डी होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे हमें इस डबल इंटीग्रल को इवाल्वेट करना है, हम इसको इवाल्वेट करेंगे, पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, शाबाश, इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा, तो फिर इसी का जैकोबियन निकालेंगे, इसका जो जैकोबियन होगा वो आएगा j इक्वल टू r है, तो बाय अबो फार्मूला डबल इंटीग्रल डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल रेज पावर 7 बाय 2 dx dy इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई, 0 टू 1 क्यों आया, क्योंकि हमारे पास सर्कल है, अगर अब सर्कल क्या होगा 2 पाई, अगर रेडियस कुछ भी होगा ना, हेलो हेलो, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे x स्क्वायर, अगर यहां पे होगा ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4b, ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4b, तो थीटा का वैल्यू हमेशा कहां से कहां तक होगा, 0 टू 2 पाई, हां 0 टू 2 पाई, खाली यहां पे क्या होगा रेडियस, अगर 0 तो ये होगा वेरी, हां 0 टू 1 वेरी होगा, लेकिन 0 टू 2 पाई हमेशा ऐसे ही आएगा सर्कल में, ठीक है, क्योंकि थीटा हमेशा क्या होगा 0 टू 2 पाई, तो खाली यहां 0 टू 1 वेरी होगा, कभी ये 2 होगा कभी 3 बाई 2 होगा, हां तो यहां पे आप देख लेना ये क्या आएगा, अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा, फिर 0 टू 1 की जगह क्या आएगा 0 टू 4, हां नहीं 2 स्क्वायर है ना, ये ना 0 टू 1 यूनिट सर्कल वो होगा सर्कल ऑफ रेडियस 2, 4 मतलब क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा 0 टू 2, ठीक है 0 टू 4 नहीं, 4 नहीं 0 टू 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि वो हम फिक्स रखेंगे और फिर वो वेरी करेंगे, ठीक है सर, हाँ अब आया समझ, आया समझ, हाँ लेकिन 0 टू 2 पर हमेशा ही रहेगा सर्कल में, ठीक है जी सर। तो इसको हम यहां से आप फिर ये सॉल्व करो, इंटीग्रेट इसको करो, पहले विद रेस्पेक्ट टू r करो, फिर विद रेस्पेक्ट टू थीटा करो, तो फाइनली इसका सॉल्यूशन ये आएगा, समझ आ रहा है एवांचा समझ, हाँ सर। सर ये हो क्या आया समझे, चलो ऐसे ही ये क्वेश्चन भी देख लेना, हाँ आप देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है ना ऐसे ही इवॉल्व डबल इंटीग्रल साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डीएक्स डीवाई ओवर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे पुट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, तो यहाँ पे भी ये यही है, हाँ तो जो जैकोबियन हमेशा इस केस में क्या आएगा आर, तो 0 टू 2 पाई 0 टू 1 आर साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या आएगा, यह आएगा ना साइन पाई आर, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आएगा ना आर स्क्वायर, वही मैंने लिखा, और डीएक्स डीवाई की जगह आएगा डीएक्स डीवाई, जे
dr d theta, इधर से मैं लिखूं d theta, यह है dr d theta, लेकिन यहाँ पे क्या है variables? r और theta, हाँ? यह dr d theta, हाँ? यहाँ पे dr d theta, यह d theta लिखा है मैंने यहाँ पे, कर जो पा रहे हूँ correct, हाँ? ये लिखने में हुआ है, हाँ? ठीक है सर, आप ये आप देखो, ये आएगा dr d theta, आप देखो फिर इसको इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू, पहले विद रेस्पेक्ट टू आर करो और फिर फाइनली विद रेस्पेक्ट टू थीटा करो, तो यहाँ से आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। इसी तरह पैराबोलोज वाई स्क्वायर, ये तो वही है जो हमने पिछली बार देखा ना, वो क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन भी वाई कोर्ट, ये वही क्वेश्चन है, ये आप छोड़ो, हाँ ये वही क्वेश्चन है, तो हो गया ये यूनिट कम्प्लीट।